पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा की जन विश्वास यात्रा के तहत बुद्धि विहार में आयोजित जनसभा के दौरान गुरुवार को कार्यक्रम स्थल भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मंच से माहौल बनाने में जुटे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम स्थल पर बार बार भाजपा के चुनावी गीत बजाने की मांग होती रही। भाजपा नेताओं के भाषण के बीच कार्यकर्ता बार बार गाना बजवा कर उसकी धुन पर झूमते नजर आए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो योगी ही, आदि भोजपुरी गीतों पर कार्यकर्ता झूमते रहे। जी अमित शाह मुरादाबाद रहे और उन्होंने किस तरह का संदेश दिया, क्या रहा? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनसमूह को संदेश दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हुआ कमल खिलाना है क्या लगता है कि अभी तक क्या गलती रही जो उन्होंने वक्तव्य कहा कि मुरादाबाद के लोगों से गलती हुई? तो गलती रही होगी, इस बार नहीं होगी ना, 2000 से गलती रही है, वोट हमारे बटे, अब ऐसा नहीं होगा। 2022 के इलेक्शन में 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वाजपेयी सरकार बनेगी। किस तरह का माहौल था आज देखने में? माहौल अच्छा था, टोली में जोश था, ऐतिहासिक जनसभा था। कैसी रही रैली आपकी? रैली रैली देखिए, आज यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की जो रैली थी वो वाकई जिस हिसाब से मौसम हम लोगों को लग रहा था, अपार जनसमूह, तो इससे सीधा वातावरण बन रहा है कि भाजपा के साथ लोगों का जुड़ाव है। लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से परेशान हो चुके थे, त्रस्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और लोगों ने एक बार फिर से प्रण कर लिया है कि 2022 में हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। देखिए मैं स्वयं व्यापारी हूँ, व्यापारी होने के नाते बता रहा हूँ, पहले हम लोग दुकान से बंद करके जाते थे, कुछ भरोसा नहीं था, आज लोग हमारी बहन माँ बेटियाँ की खूब सुरक्षा है, आराम से वो कहीं भी घूम सकती हैं, रात में माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित है, पहले किसी की सुरक्षा नहीं थी, पहले व्यापारी सुरक्षित नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है पूर्ण रूप से हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति तक न्याय पहुंच रहा है, हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।